Dear students, welcome to the lecture series of Corrosion. And in this lecture, I will discuss about the passivity. तो आप सबका स्वागत है इस लेक्चर की सीरीज में जो कि कोरोजन के ऊपर हमने बनाई है. तो इसमें हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पैसिविटी. पैसिविटी जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया, ये टर्म पहले कॉइन जो किया है वो किया है शोबिन ने इन 1836. ये टर्म पैसिविटी किसने दिया, शोबिन ने. और ये फिनोमिना, लेकिन जो फिनोमिना है वो आ गया था 1738 में एक रिएक्शन के दौरान. लोमोनोसोव ने 1738 में एक रिएक्शन को देखा और उस रिएक्शन को फर्दर 1790 में फिर अध्ययन किया गया. किसके द्वारा, जे कियर के द्वारा. तो इन दोनों ने तो अध्ययन किया लेकिन उसको नाम जो दिया वो शोबिन ने दिया इसको नाम पैसिविटी. और जो रिएक्शन स्टडी की गई सबसे पहले वो रिएक्शन क्या थी, नाइट्रिक एसिड और आयरन की रिएक्शन. तो उस रिएक्शन को देखकर पता चला कि एक नया टर्म जनरेट हुआ और वो क्या था, पैसिविटी. रिएक्शन देखिए कैसे हुई. आयरन को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में रखा गया. ये जो रिएक्शन की गई ये की गई 1738 में और 1790 में फिर इसकी स्टडी की गई. तो यहां पर देखा कि आयरन को जब कंसेंट्रेटेड HNO3 में डाला गया तो वो फिर इनएक्टिव हो गया. आयरन फिर उस पर किसी का अटैक नहीं किया जा सकता, वो अनअटैक्ड रहा. तो फिर एक टर्म जो जनरेट हुआ दैट इज पैसिव. इसका मतलब आयरन क्या हो गया है, पैसिव हो गया. और अगर उसी आयरन को हम अलग से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl में ला ले तो फिर क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा. इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या है कि आयरन का क्या होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा तो इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस होगी, ये रिएक्शन हो जाएगी आसानी से. तो इसका मतलब है कि आयरन क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा. तो ये जो पैसिविटी है, जो पैसिव नेचर है किसी मेटल का, वो किसका अपोजिट है, एक्टिविटी का. उसकी एक्टिवनेस का अपोजिट है पैसिव. तो ये जो रिएक्शन स्टडी की गई थी, देखिए कितने पुरानी रिएक्शन जो स्टडी की गई थी वो की गई आयरन की कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ. और फिर देखा गया कि ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है उसके बाद, जब हम इसको कुछ देर के लिए कंसंट्रेटेड HNO3 में डिप कर दें और उसके बाद ये आयरन जो है इनएक्टिव हो जाएगा और वो कोई फर्दर रिएक्शन किसी तरीके की भी नहीं देगा. तो यहां से जो टर्म जनरेट होके आया वो क्या था, पैसिविटी. तो अब देखें हम पैसिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से उसको हम टर्म दे सकते हैं, कौन से नाम हम उसे दे सकते हैं. ये देखिए पैसिविटी. अब पैसिविटी का अगर हम नामकरण करें तो हम कैसे इसको नामकरण इसका कर सकते हैं. पैसिविटी का मतलब इनर्टनेस, जो एक्टिव ना हो वो पैसिव कहलाता है. तो इनर्टनेस हम इसे कह सकते हैं. पैसिविटी को हम क्या कह सकते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पर हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो कोरोजन. तो यहां पर जो पैसिव है वो किसके संबंध में है, वो है रिलेटिव टू कोरोजन. तो जहां पर कोरोजन ना हो पाए वो पैसिव है. या फिर हम कह सकते हैं इनएक्टिवनेस, यानी एक्टिव नहीं है तो वो क्या होगा. ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन है इनर्ट, मेटल या मेटल का एलॉय. कौन है कोरोजन रेजिस्टेंस, किसमें आ गई है, मेटल में या उसके एलॉय में. कौन है इनएक्टिव, कौन हो गया है मेटल या उसका एलॉय. तो और हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, नॉन रिएक्टिव. तो नॉन रिएक्टिव कौन हो जाएगा, मेटल या उसका एलॉय. या फिर हम कह सकते हैं लॉस ऑफ केमिकल एक्टिविटी. तो लॉस ऑफ केमिकल एक्टिविटी मतलब कि वो केमिकल रिएक्टिविटी नहीं कर सकता तो इनएक्टिव हो गया. तो इसका मतलब है हम पैसिविटी को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. पैसिविटी किसकी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेटल्स की या उसके एलॉयज, जहां पर भी मेटल का इन्वॉल्वमेंट होगा उसकी पैसिविटी. और उसकी पैसिविटी हम किस टर्म में पढ़ रहे हैं, जनरली कोरोजन के रेजिस्टेंस के टर्म में, कि अगर वो पैसिव हो जाएगा तो उसमें कोरोजन नहीं होगा. और अगर हम देखें
तो एक और हम इसको बात कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो पैसिविटी है वो क्या है, मेटल प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, ये भी पैसिविटी है। लेकिन कब, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी, हर एक कंडीशन में पैसिविटी नहीं होगी। कोई एक मेटल एक कंडीशन में अगर वो एक्टिव होगा तो दूसरी कंडीशन में वो पैसिव हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं क्या है, किस में वो मेटल रखा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो मेटल एक्टिव होगा या पैसिव होगा। तो कभी वो मेटल एक्टिव हो सकता है, वही मेटल पैसिव भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है। तो अब मेरे ख्याल में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि पैसिविटी हम किससे रिलेट कर रहे हैं। पैसिविटी हम रिलेट कर रहे हैं मेटल के साथ, यानी जो मेटल में कोरोजन ना हो पाए वो क्या हो गया, पैसिव मेटल हो गया, वो पैसिव हो गया, वो रिएक्टिव नहीं रहा। कोरोजन का मतलब क्या था, रिएक्टिव। आपने देखा आयरन जो है वो या तो ऑक्साइड बना रहा था, या वो आयरन किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, आयरन आयन में, या फिर वो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना रहा था। तो अगर वो ये सब प्रोसेस ना कर पाए तो वो क्या हो गया, पैसिव। तो इसको हम क्या कहेंगे, पैसिविटी। अब अगर हमें पैसिविटी ऑफ मेटल्स को डिफाइन करना, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो पैसिविटी इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, और हम क्या कह सकते हैं, इनर्टनेस। ये क्या है, इनर्टनेस है, या फिर लॉस इन केमिकल रिएक्टिविटी शोन बाय सर्टेन मेटल्स एंड देयर एलॉयज। अब ये इसके साथ जोड़ना जरूरी है, अंडर स्पेसिफिक सराउंडिंग कंडीशंस और एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो पैसिविटी ऑफ मेटल्स क्या हो गया, लॉस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी करेंगे कौन, मेटल्स और उनके एलॉयज, जहां पर मेटल होंगे, अंडर सर्टेन स्पेसिफिक सराउंडिंग कंडीशंस। अब देखें हम कौन कौन से मेटल्स हैं जो पैसिविटी शो कर सकते हैं, वो कौन कौन से मेटल्स हैं, वो कौन से मेटल्स हैं। देखिए वो मेटल हो सकता है आयरन, निकेल, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, और एक मेटलॉइड है जैसे सिलिकॉन, ये भी समटाइम्स पैसिविटी बिहेवियर शो कर सकता है। अब जैसे स्टेनलेस स्टील है, एलॉय है, तो ये भी क्या शो कर सकता है, पैसिविटी। अब पैसिविटी तो शो कर रहे हैं देखिए मेटल्स, अब ऐसे भी जो जो सराउंडिंग्स में जो सब्सटेंस होंगे जिनकी वजह से पैसिविटी जेनरेट होगी, उनको हम क्या कहेंगे, पैसिवेटर्स। वो क्या कहलाएंगे, पैसिवेटर्स। सो द केमिकल सब्सटेंसेस दैट कॉजेस पैसिविटी इन मेटल्स और एलॉयज आर कॉल्ड एज पैसिवेटर्स। तो पैसिवेटर्स क्या हो गए, वो सब्सटेंस हैं जो कि किसी मेटल में या एलॉय में पैसिविटी जेनरेट करेंगे, उनको कहेंगे पैसिवेटर्स। तो दो चीजें चाहिए पैसिविटी के लिए, दो चीजें मेन है, एक तो है मेटल और उसका एलॉय, और दूसरा क्या जरूरत है, पैसिवेटर की। पैसिवेटर जो उसको पैसिव बना रहा है, जो उसको इनएक्टिव बना रहा है, जो उसको इनर्ट बना रहा है, उसको हम कहेंगे पैसिवेटर। अगेन रिवाइज करते हैं, पैसिवेटर सबने किन्हें कहा, वो सब्सटेंस जो कि मेटल और एलॉय को क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो उनके वेरियस एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे जनरली जो पैसिवेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। पैसिवेटर्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन इनिबिट कोरोजन, ये क्या करते हैं, कोरोजन को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे, कहां पर, मेटल की सरफेस पर। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, दे आर पैसिवेटर्स, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे इनहिबिट कोरोजन बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे, ये प्रोटेक्टिव लेयर कैसी होती है, दे आर वेरी थिन एंड इनविजिबल, बहुत पतली लेयर होती है, ऐसे आंखों से नहीं दिखाई देंगी, पता नहीं चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर मेटल है ये पैसिव हो गया है या नहीं हुआ है। तो अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप जानते हैं किन्हें कहते हैं, जो ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये देखिए, ये डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, कंसनट्रेटेड HNO3, फेरेट, नाइट्राइट्स, क्रोमेट्स, टंगस्टेट्स, मॉलिब्डेट्स। सो दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सो दीज कैन एक्ट पैसिवेटर्स। ये कैसे एक्ट कर सकते हैं, पैसिवेटर्स की तरह। तो ये क्या करते हैं,
देयर डिक्रीजेस कोरोजन रेट, ये क्या करते हैं कोरोजन रेट डिक्रीज करेंगे, और इसके अलावा ये एनोडिक रिएक्शन को क्या करेंगे इनहिबिट करेंगे। दो इनके मेन काम है, क्या है कोरोजन रेट को डिक्रीज करेंगे। कैसे कर देंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे जो मेटल है या एलॉय है उसकी सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर लेयर बना देंगे, कोई थीन फिल्म बना देंगे। और अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो क्या करेंगे एनोडिक रिएक्शन को रोक देंगे, क्योंकि एनोडिक रिएक्शन की वजह से ही क्या हो रहा था, आपको अगर रिकॉल करेंगे तो आपने वेट कोरोजन पढ़ा था, वेट कोरोजन में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, और वहां पर आपने पढ़ा था कि एनोड जो है वो डिजोल्व होता जाता है। तो पैसिव जो कंपाउंड्स हैं, जो पैसिवेटर्स हैं, वो क्या करेंगे एनोडिक रिएक्शन को इनहिबिट कर देंगे ताकि एनोड जो है वो डिजोल्व ना हो पाए और कोरोजन रुक जाए। तो पैसिविटी क्या, पैसिविटी जो पैसिवेटर जो है वो इम्पोर्टेंट काम करते हैं, क्योंकि वो फिल्म बनाते हैं थिन फिल्म अराउंड दी मेटल और एलॉय सरफेस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पैसिविटी। पैसिविटी कितने तरीके की होती है? पैसिविटी जनरली तीन तरीके की होती है। पैसिविटी तीन तरीके की होती है, एक होती है केमिकल पैसिविटी, दूसरी होती है मैकेनिकल पैसिविटी, और तीसरी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी। इनको जो हमने नाम दिए हैं केमिकल पैसिविटी या मैकेनिकल पैसिविटी या इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी, ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है कि किस तरीके की रिएक्शंस होती है, कहां पर रिएक्शन हो रही है, कैसी सराउंडिंग्स हैं, तो उस पर बेस्ड इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो पैसिविटी को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले पहला टाइप पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल पैसिविटी। अब केमिकल पैसिविटी को अगर हम देखें तो ये देखिए किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू अटैक ऑफ केमिकल्स लाइक कंसेंट्रेटेड HNO3, क्रोमेट्स, मॉलिब्डेट्स और एनी अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसी केमिकल की अटैक की वजह से हो रही है, डायरेक्ट अटैक है केमिकल का, तो उसकी वजह से क्या हो रही है पैसिविटी अगर जनरेट हो रही है तो उसे हम कहेंगे केमिकल पैसिविटी, क्योंकि ये केमिकल की वजह से जनरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप देखेंगे कि ये एक अगर हमने आयरन की रॉड ली और उस आयरन की रॉड को अगर हमने डिजोल्व करा किसमें, उसको हमने रख दिया कुछ दिनों के लिए कंसेंट्रेटेड HNO3 में। अभी कंसेंट्रेटेड HNO3 की स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए 1.25 के आसपास। इतना कंसेंट्रेटेड HNO3 अगर हम लेंगे तो ये कंसेंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जब हम इसमें इस आयरन रॉड को डिप कर देंगे तो अब इस आयरन रॉड को निकाल लीजिए इसमें से। आपने क्या किया, पहले एक हमने ये सॉल्यूशन लिया, इसमें इसमें क्या ले लिया हमने कंसेंट्रेटेड HCl, और इसमें क्या डिप कर दिया, ये हमने आयरन रॉड डिप कर दी। तो अब जो है इस रॉड को निकाल लेंगे, ये आयरन रॉड को अगर हम निकाल लेंगे तो इस रॉड को अगर अब हम कहां डालें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेगा। इससे पहले आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी है, और उसमें पढ़ा है कि आयरन जो है वो किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब यहां पर क्या होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा और आयरन का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका मतलब जो सीरीज में जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो माइनस में होता है, वो अपने नीचे वाले मेटल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो आयरन है जो कि किसमें डिप्ड था पहले कंसेंट्रेटेड HNO3 में, ये कॉपर सल्फेट से रिएक्ट नहीं करेगा, या ये AgNO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब ये एक्टिव नहीं रहा। अगर हम इसको कंसेंट्रेटेड HNO3 में डिजोल्व इसको नहीं रखते और आयरन की रॉड को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो आयरन क्या होगा एक्टिव होगा। लेकिन हमने जैसे ही उसको इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डिप किया तो वो क्या हो गया इनएक्टिव, क्या हो गया पैसिव, इनर्ट, क्या हो गया रिएक्टिव नहीं रहा, नॉन रिएक्टिव हो गया।
इसलिए अब ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके की जो जो पैसिविटी जनरेट होती है उसको कहते हैं केमिकल पैसिविटी। इसके फर्दर एग्जांपल्स देख सकते हैं हम। जो केमिकल पैसिविटी है देखिए, जैसे कुछ और केमिकल्स हैं जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, H2O2 है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये पैसिविटी इंड्यूस कर सकते हैं किसमें, आयरन में, कोबाल्ट में, निकिल में, क्रोमियम में। अगर हम इन मेटल्स को इनमें से किसी में डिप कर दें तो ये इन मेटल्स को इनएक्टिव बना सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं, ताकि इनका कोरोजन ना हो पाए। तो हमने कोरोजन को रोकने के उपाय भी पढ़े थे पहले कि कैसे हम कोरोजन को प्रोटेक्ट करें। तो कोरोजन को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि हम मेटल को क्या बना रहे हैं, पैसिव, ताकि उसमें वो इनर्ट ना हो पाए। तो कोरोजन को रोकना ही यहां पर पैसिविटी कहला रहा है। उसको हम कैसे रोक, आपने देखा था हमने वहां पर क्रोमिक एसिड में भी हमने वहां पर कुछ मेटल्स को डिप किया था क्रोमिक एसिड के सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि क्रोमिक एसिड एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या कर देगा, कोरोजन को कम करेगा और उसको जो मेटल है उसको क्या बनाएगा, पैसिव। ऐसे ही कुछ एसिड्स हैं जैसे क्रोमिक एसिड है, क्लोरिक एसिड है, आर्सेनिक एसिड है, ये इंड्यूस करते हैं पैसिविटी किसमें, आयरन में और कुछ अदर मेटल्स में। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको आपको याद रखना है। केमिकल पैसिविटी मीन्स केमिकल्स इंड्यूस करेंगे पैसिविटी, डायरेक्ट रिएक्शन। और ये केमिकल्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं वो इस मेटल में क्या करेंगे, पैसिविटी इंड्यूस करेंगे, उसका कोरोजन कम करेंगे। कैसे करेंगे वो हम थ्योरीज में पढ़ेंगे, अभी हम यहां पर केवल ये पढ़ रहे हैं कि ये कैसे होता है, केमिकल पैसिविटी कैसे होता है। अब अगर हम इसके अलावा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनके अलावा अगर हम कुछ देखें तो एयर भी है जो कि डायरेक्ट पैसिविटी का कारण बन सकती है, क्योंकि एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है। तो अगर कुछ मेटल्स जैसे आयरन है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, वेनेडियम, अगर इनको एयर में रख दिया जाए, एक्सपोजर होकर इन पे एयर का, तो ये क्या हो जाते हैं, पैसिव। इनका नेचर कैसा हो जाता है, पैसिव। तो जनरली जो प्योर मेटल्स हैं उनमें क्या हो जाता है, पैसिविटी जनरेट होती है, उसको हम थ्योरीज में पढ़ेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा है, केमिकल थ्योरी ऑफ पैसिविटी, केमिकल टाइप ऑफ पैसिविटी। जी, दूसरे टाइप की जो पैसिविटी है उसको कहते हैं मैकेनिकल पैसिविटी। और मैकेनिकल पैसिविटी देखिए आपको दिख रहा है, यहां से आपको जरा दूर से मैं आपको दिखा रही हूं पहले, कि जो मैकेनिकल पैसिविटी है वहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनविजिबल फिल्म। कैसी होती है, थिन। कैसी इनविजिबल फिल्म बनती है, मेटल ऑक्साइड की। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल पैसिविटी। तो देखिए ये मेटल्स हैं, लेड, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज, आयरन। इन मेटल्स में क्या होता है कि ऑक्साइड की लेयर एक डिपॉजिट हो जाती है इनकी सरफेस पर। तो अगर ऑक्साइड की फिल्म बने केवल सरफेस पर, तो वो किसके अंदर आता है, मैकेनिकल पैसिविटी के अंदर आता है। ठीक है, मैकेनिकल पैसिविटी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, जो कि बहुत पतली होती है, इनविजिबल होती है, दिखेगी नहीं, वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल पैसिविटी। जो थर्ड टाइप की जो पैसिविटी है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब ये जो पैसिविटी दिखेगी वो कहाँ दिखेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दिखाई देगी। तो वो पैसिविटी क्या कहला रही, इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है। जनरली ये क्यों होती है, ड्यू टू एनोडिक ऑक्सीडेशन। क्या होता है, जो एनोड होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और अगर एनोड का ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड की सरफेस पर क्या हो जाएगी, ऑक्साइड की लेयर। तो ये ऑक्साइड की लेयर यहां पर भी जम सकती है, कहां पर, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड का ऑक्सीडेशन हो जाए तो उस एनोड की सरफेस पर भी एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। अगर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी तो फिर ये जो एनोड है, एनोड का काम क्या है, एनोड का काम है कि मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, मेटल आयन में, एनोड पर ये होता है। तो ये डिसॉल्व होता है, एनोड पर मेटल डिसॉल्व होता है,
लेकिन अगर ये मेटल के चारों ओर ऑक्साइड की लेयर बन जाए तो अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, इसके बाहर से शील्ड बन गई। इसके बाहर से क्या बन गई? शील्ड किसकी? क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया है, इसमें किसकी किसकी बन गई है? ऑक्साइड की लेयर बन रही है, इसलिए ये अब फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये रिएक्शन नहीं होगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी तो फिर ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी कहलाएगा। ये जनरली कब होती है? जब हाई करंट डेंसिटी जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए पास की जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एक तो ये है पॉसिबिलिटी कि हाई करंट डेंसिटी पास करें शॉर्ट टाइम के लिए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर स्मॉल करंट डेंसिटी पास करें फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर क्या करें? स्मॉल करंट डेंसिटी पास करें तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी की। इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी आप समझ गए होंगे, एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, उस एनोड के चारों ओर अगर क्या हो जाए? ऑक्साइड की लेयर जम जाए, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन कब होता है? अगर हाई करंट की डेंसिटी पास की जाती है थोड़ी देर के लिए, या लो करंट की डेंसिटी पास की जाती है ज्यादा समय के लिए, तो फिर ऑक्साइड की लेयर क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट कर देती है, अब वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी। इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी अकर्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस समटाइम्स एनोड बिकम पैसिव व्हेन करंट डेंसिटी इन इंक्रीज्ड। जब करंट डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फिर जो एनोड है वो क्या हो जाता है? पैसिव। एनोड पैसिव होता है क्योंकि एनोड पर ही कोरोजन होता था, आपने पढ़ा था एनोड पर कोरोजन होता है, इसलिए एनोड ही क्या होता है? पैसिव हो जाता है, तो फिर कोरोजन भी नहीं होगा उस पर, ये भी इफेक्ट होगा। अब जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट एक्सटेंट की पैसिविटी शो करते हैं, और डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में वो अलग अलग तरीके से पैसिविटी शो करेंगे। हो सकता है कोई मेटल किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पैसिविटी शो ना करे, दूसरे में शो करे। तो आप ये देखेंगे, ये डिपेंड करेगा मेटल के ऊपर और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के ऊपर कि वो कैसे हैं, उसी हिसाब से कोई भी मेटल पैसिव होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम देखेंगे कि ये आयरन का ग्रुप है। देखिए, अगर आयरन का ग्रुप है, अगर मेटल वो एनोड की तरह अगर एक्ट कर रहा है तो वो पैसिव होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में। क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा है, आपने वेट कोरोजन को याद कीजिए, जहां पर हाइड्रोजन इवोल्यूशन होती है, वहां पर जो एनोड है वो क्या होता था? एसिड की प्रेजेंस में कोरोजन होता था वहां पर। तो क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में कोरोजन होता है, इसलिए एल्कली की प्रेजेंस में पैसिवनेस आ जाएगी, वो इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट होगा, एसिडिक मीडियम में जो आयरन ग्रुप है वो एक्टिव हो जाता है और एल्कलाइन सॉल्यूशन में वो पैसिव हो जाएगा, फिर उसमें कोरोजन नहीं होगा। या फिर अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे नाइट्रेट है, क्रोमेट है, क्लोरेट है, ये आप फिर से देखिए, जो प्रोटेक्शन मेथड थे कोरोजन के वो यही थे कि हम उसको जो नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स थे उनकी कोटिंग कर रहे थे। अब आप याद करिए, तो वो नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स कौन थे? क्रोमेट थे, क्लोरेट थे, इनकी हम कोटिंग कर रहे थे। तो इनकी कोटिंग से क्या होगा? कोरोजन कम हो जाएगा, पैसिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन इसी सॉल्यूशन में अगर हम क्या डाल दें? क्लोराइड आयंस डाल दें, तो फिर पैसिविटी सप्रेस हो जाती है। तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है कि कैसा एनवायरनमेंट हम ले रहे हैं और कौन सा मेटल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब देखिए, अब जैसे हम दूसरे मेटल्स का एग्जांपल देखें, जैसे क्रोमियम, अगर क्रोमियम एनोड होगा तो वो पैसिव कब होगा? एल्कलाइन मीडियम में। बिल्कुल अपोजिट है आयरन ग्रुप का, आयरन ग्रुप पैसिव था किसमें? एल्कलाइन मीडियम में। ये बिल्कुल उसकी तरह ही है, क्रोमियम भी और आयरन भी, दे आर पैसिव इन एल्कलाइन मीडियम, बट मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन दे आर जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ आयरन ग्रुप एंड क्रोमियम एनोड। तो मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन को अगर देखेंगे तो वो एसिडिक मीडियम में क्या है? पैसिव है। देखिए, बेसिक मीडियम में नहीं है, बट ये पैसिव किसमें है? एसिडिक मीडियम में। तो ये इनका नेचर और जो मीडियम है ये डिफरेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही पैसिविटी चेंज होती है। अब अगर हम प्लेटिनम और गोल्ड को देखें तो वो हमेशा पैसिव होते हैं, हमेशा पैसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही इनएक्टिव रहते हैं। ये नोबल मेटल्स हैं
और वो कभी भी एक्टिव नहीं होते। इसीलिए जनरली आपने देखा है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वहां पर जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वो प्लेटिनम के बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लेटिनम जो है वो नॉन रिएक्टिव मेटल है और वो हमेशा पैसिव रहता है। तो ये भी देखना होता है कि कौन से मेटल को हम किस तरीके से कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करें जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है पैसिविटी का और आपको बताया है कि पैसिविटी के कितने टाइप्स होते हैं, तो उसको अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये देखेंगे कि पैसिविटी जो टर्म है वो 1836 में आया। और पैसिविटी किसको कहते हैं, अब उसको दोहराएं, पैसिविटी हम कहते हैं किसको, इनर्टनेस को। किसको कहते हैं, इनर्टनेस को। इनर्टनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस, इनएक्टिवनेस, नॉन रिएक्टिवनेस, लॉस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, ये सब क्या है, पैसिविटी। और पैसिविटी जो है वो जो क्रिएट करते हैं जो रिएजेंट्स उनको हम क्या कहते हैं, पैसिवेटर्स। जो वो कौन है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो क्या है, पैसिवेटर्स। अब जो टाइप अगर आप देखेंगे तो टाइप कितने तरीके का, तीन तरीके का दोहरा लेते हैं, केमिकल पैसिविटी, मैकेनिकल पैसिविटी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी। अब अगर आप देखेंगे कि जो केमिकल पैसिविटी है वो केमिकल के अटैक की वजह से होती है, जो पैसिविटी आ जाती है, जो इनर्टनेस आ जाती है उसको केमिकल पैसिविटी कहते हैं। अगर वो इनर्टनेस मैकेनिकली आ रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ रही है, ऑक्साइड की लेयर बन रही है, तो वो मैकेनिकल पैसिविटी है। और अगर वो पैसिविटी आ रही है एनोड में, एनोड का ऑक्सीडेशन अगर हो जाए हाई करेंट डेंसिटी में, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पैसिविटी। तो आपको पैसिविटी तो समझ में आ गई है और कितने तरह की पैसिविटी होती है वो भी आपके समझ में आ गई है। उसके बाद हम इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये पैसिविटी क्यों क्रिएट हो रही है, ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ये क्यों क्रिएट हो रही है। तो कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे ये मेटल्स एक्टिव या पैसिव होते हैं, कैसे वो पैसिव हो जाते हैं, कैसे वो इनर्ट हो जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पैसिविटी वीडियो।